हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में लेडरर मैनेस अभिक्रिया डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि लेडरर मैनेस अभिक्रिया क्या होता है, इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं बीएससी एग्जाम्स में। सो उस अकॉर्डिंग ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं लेडरर मैनेस अभिक्रिया क्या होता है। अगर हम इसका बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, इसका सिंपल सा अगर परिभाषा देखें, सो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, जो फिनॉल है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ एसिड या बेस की उपस्थिति में संघनित होकर ऑर्थो एवं पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजीन अल्कोहल देता है, इसे ही लेडरर मैनेस अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। जब फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, ठीक है, दोनों का आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है एसिड या बेस की उपस्थिति में, ठीक है, तो हमको ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजीन अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजीन अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को ही लेडरर मैनेस अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगर आप ये रिएक्शन ही आप याद कर लेते हैं तो ये डेफिनेशन अपने से लिख सकते हैं, ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फिनॉल है हमारा, बेंजीन रिंग में OH जुड़ा है, तो ये फिनॉल, जब फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, ठीक है, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, ठीक है, एसिड या बेस की उपस्थिति में, दोनों में से कोई एक हम यूज करेंगे, तो हमको ये ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होगा या पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, ये CH2OH अगर ऑर्थो पोजिशन में है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सिल, और अगर पैरा पोजिशन में आके जुड़ता है तो पैरा हाइड्रोक्सिल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा इसका डेफिनेशन है, बेसिक सा रिएक्शन। ठीक है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ एसिड या बेस की उपस्थिति में कंडेंसेशन रिएक्शन करता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सिल एंड पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजीन अल्कोहल प्राप्त होता है, इसी को ही लेडरर मैनेस अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये इतना बेसिक है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, डिटेल में समझेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से पूरा डिटेल में ये रिएक्शन हुआ है एंड ये प्रोडक्ट प्राप्त हुए हैं। सो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बीएससी, क्योंकि 11th 12th में जनरली आप डेफिनेशन एंड ये रिएक्शन लिख देंगे तो इनफ रहता है, लेकिन बीएससी एमएससी लेवल में आपको जो मैकेनिज्म है उसको डिटेल में समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक मैकेनिज्म जो है उसको आपको पता होना चाहिए कि हर एक पॉइंट में, हर एक स्टेप में क्या हुआ है, प्रोसेस किस प्रकार से ये हमको प्राप्त हुए हैं। सो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना। ये है लेडरर मैनेस रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म, जो कंप्लीटली तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। सो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या है हमारा, जो हमारा ये फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल को जब हम फिनॉल को पहले फिनोक्साइड आयन में हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो फिनॉल को फिनोक्साइड आयन में चेंज करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं बेस की उपस्थिति में, तो हमको ये फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो क्या होता है, ये फिनॉल है, जब इसका NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो Na है सोडियम, यहाँ पे बेसिकली O- और H+ होता है, ठीक है, तो Na+ जो है O के साथ जुड़ जाएगा और ये OH- और ये H+, ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करके H2O वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे एंड इस रिएक्शन से बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड आयन पहले प्राप्त होगा, फिर उसके बाद जो सोडियम है वो इस रिएक्शन से बाहर चले जाता है एंड हमको ये फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है। तो सिंपली आप इसको एक स्टेप में लिख सकते हैं कि जब फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको फिनोक्साइड आयन प्राप्त होगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप टू में जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, H+ के साथ रिएक्ट कराएंगे। सिंपल सा है, हमने इसका जो बेसिक रिएक्शन जब हमने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल को आपस में जो है एसिड या बेस दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड को हम एसिड की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं, दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं, तो सिंपल सा रिएक्शन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की तुलना में, तो जो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस प्रकार से ये जो है C+ और ये जो फिर H, बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन में, तो ये जो H+ है ये जाके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और तो हमको ये कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, C में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन में एंड ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये H+ जाके उसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमको CH2OH प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड और
एसिड को आपस में रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो हमको फिनोक्साइड आयन जो प्राप्त हुआ है इसको फिर हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। सिंपल सा है, पहले फिनॉल को फिनोक्साइड आयन में चेंज करेंगे, फिर फॉर्मेल्डिहाइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर दोनों जो कंपाउंड प्राप्त हुआ, ये फिनोक्साइड आयन और ये हमारा, तो दोनों को आपस में हम रिएक्ट कराते हैं। तो सिंपल सा है, ये सिंपल सा है, यहाँ पे जो है रिजोनेंस स्ट्रक्चर ये शो करता है। फिनॉल आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, किस प्रकार से शो करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेंजीन रिंग में जो है यहाँ पे ओ माइनस, ठीक है, ये फिनोक्साइड आयन है, तो यहाँ पे O में माइनस है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है हर कोने में, तो कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन के पास ऑलरेडी उसका कंप्लीट है, ठीक है, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी बॉन्ड बना चुके हैं, तो ये कार्बन को अगले कार्बन की ओर शिफ्ट कर देगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको, ठीक है, ये कार्बन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है उसको इस कार्बन की ओर शिफ्ट कर देगा, जिसके कारण इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशंस में नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये जो CH2OH है हमारा, ठीक है, इसमें कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हमने देखा था। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके ये कार्बन इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा और इस प्रकार के कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, आपको पता है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, वहां से अलग हो जाएगा, और ये इस ओ यहाँ पे, यहाँ ये जो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट कर दिया है, इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, कमी हो गई है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन इसका जो बॉन्ड टूटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा ये फिर से जो है जाके ऑक्सीजन में जुड़ जाएंगे, फिर से जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये OH हो जाएगा, फिर से ये H इस O के साथ जुड़ गया और बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी इसकी तरफ ट्रांसफर हो गए, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस प्रकार से OH ये बन गया, और यहाँ पे CH2OH as it is इस ऑर्थो पोजिशन में जुड़ा रहेगा, ठीक है। और ये हमको जो है हाइड्रोक्सिल बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होगा, ऑर्थो पोजिशन में जुड़ा है इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजिल एल्कोहल, अगर ये पैरा पोजिशन में जुड़ा होता तो पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता। तो इस प्रकार से ये पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट होता है लैडर मैनेस रिएक्शन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, अब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लिख के देखेंगे तो इजीली आपको आ जाएगा। एंड इससे पहले भी मैंने जितने भी एल्कोहल एंड फिनॉल चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है सभी को डिस्कस किया है डिटेल में, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आप एक एक करके सभी को देख सकते हैं, जो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एंड अगर इसके अलावा अगर आपको ये कंप्लीट हैंडरिटन नोट चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, जिसमें एक यूनिट में आपको एक यूनिट यूनिट वाइज नोट्स आपको मिलेंगे, एक यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी आपको एक पीडीएफ में मिलेंगे। सो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए डिफरेंट लिंक हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने जिस भी मीडियम से आप बीएससी कर रहे हैं एमएससी कर रहे हैं आप नोट्स ले सकते हैं। सो ये था लैडर मैनेस रिएक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हुए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।